अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान अमेरिका को फिर से महान बनाने के अलावा जो प्रमुख वादे किए थे उनमें रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करना महत्वपूर्ण है। इन वादों को पूरा करने के अलावा अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भरोसेमंद और सेना के पूर्व अधिकारी माइकल जॉर्ज ग्लेन वाल्ट्ज को सौंपी है। सेना में ढाई दशक से अधिक समय तक सेवा देने वाले पूर्व कर्नल माइकल वाल्ट्ज को रक्षा, विदेश और व्यापार जैसे अहम मसलों का विशेषज्ञ माना जाता है। वाल्ट्ज व्यापार में अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के मुखर आलोचक भी माने जाते हैं। वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों के भी कड़े आलोचकों में से एक रहे हैं, तो वहीं वाल्ट्ज भारत के प्रमुख पक्षधर भी रहे। आपको बता दें कि वाल्ट्ज ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA होंगे। अमेरिका में NSA का पद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके लिए सीनेट की भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर वो सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी देंगे और अलग अलग एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाएंगे। आपको बता दें कि वाल्ट्ज पर ट्रंप इतना भरोसा क्यों करते हैं, इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जनवरी 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के टॉप सुरक्षा और खुफिया कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था, तब ट्रंप की ओर से व्हाइट हाउस में जिन चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी उनमें वाल्ट्ज भी शामिल थे। 31 जनवरी 1974 को फ्लोरिडा में वाल्ट्ज का जन्म हुआ था। वाल्ट्ज का लालन पोषण उनकी माँ ने किया था। आपको बता दें कि उनके दादा नौसेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट से बीए ऑनर्स की उपाधि हासिल की और अमेरिकी सेना और नेशनल गार्ड में 27 साल तक अपनी सेवाएं दी है। वाल्ट्ज साल 2018 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से फ्लोरिडा में प्रतिनिधि चुने गए, जिसके बाद हाउस के लिए चुने गए। आपको बता दें कि वाल्ट्ज की पत्नी डॉक्टर जूलिया नेशवाट भी सेना में रही है। नेशवा ट्रंप के पहले कार्यकाल में घरेलू सुरक्षा सलाहकार रही थी। जॉर्ज बुश और बराक ओबामा के शासन में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। वाल्ट्ज और जूलिया दोनों का सेना से गहरा लगाव होने के कारण उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्मी रखा है, हालांकि उसका असली नाम अरबान बेन वाल्ट्ज है। बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों के कटु आलोचक हैं। वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के लिए बाइडेन की कड़ी निंदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता कि तालिबान अलकायदा से हाथ नहीं मिलाएगा, तब तक अफगानिस्तान से सैन्य वापसी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि वाल्ट्ज ने अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपनी सेवाएं दी। उन्हें 4 ब्रांज स्टार भी मिले हैं, जिनमें 2 बहादुरी के मिले हैं। कोविड-19 के दौरान वाल्ट्ज ने आगे बढ़कर सेवा किया, जिसमें वह खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे। आपको बता दें कि ट्रंप ये कह चुके हैं कि माइकल मेरी अमेरिका पहले विदेश नीति एजेंडे के चैंपियन हैं। वह न सिर्फ खुलेआम ट्रंप विरोधी लोगों की आलोचना करते हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से ट्रंप के विदेश नीति संबंधी विचारों की प्रशंसा करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।